नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट यूट्यूब चैनल में। सके दोस्तों, आप सभी जानते हैं किसी भर्ती संबंधित कोई भी सूचना होती है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट चैनल के माध्यम से दी जाती है। उसी का इस वीडियो में हम बात करेंगे तमाम भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट को लेकर। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, साथ में शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे किसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारियाँ आप सभी को मिलती रहें। उसी क्रम में सबसे पहले जानकारी यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है कि जून में होने वाली एक और शिक्षक भर्ती परीक्षा के अंदर आपको जो बदलाव वो देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि लगातार आप सभी को कोरोना संक्रमण के चलते कभी लॉकडाउन तो कभी आप सभी को बताया कि यहाँ पर सख्तियाँ देखने के लिए मिल रही हैं, जिसके चलते शिक्षण कार्य लगातार स्थगित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में अगर बात की जून में होने वाली एक और शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर, यहाँ पर जो तलवार है वो लटकती हुई दिखाई दे रही है, उसी के बारे में आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। अगर हम बात करें रीट को लेकर, डेढ़ साल में पांचवी बार टलेगी ये भर्ती, ऐसी जानकारी देखने के लिए मिल रही है। डोटा सरा बोले 20 जून को होने वाली परीक्षा को लेकर एक बार फिर से यहाँ पे जो बदलाव है वो देखने के लिए मिलेगा। करीब डेढ़ साल से लगातार रीट का जो इंतजार है छात्रों के माध्यम से किया जा रहा है। 16 लाख से छात्रों को, मतलब 16 लाख से ज़्यादा छात्रों ने इस भर्ती के अंदर आवेदन भी किया है, लेकिन कोरोना संक्रमण के चलते रीट की जो परीक्षा होने वाली 20 जून को, उसको एक बार फिर से यहाँ पर जो स्थगित करना पड़ेगा, ऐसी जानकारी राज्य मंत्री गोविंद सिंह के माध्यम से यहाँ पर दी गई है। उनका कहना है कोरोना की तेजी से फैलता हुआ दिखाई दे रहा है, वर्तमान हालात को देखते हुए 20 जून को परीक्षा नहीं कराई जा सकती, इसको लेकर आगे कहीं ना कहीं जो तारीखों में बदलाव आपको देखने के लिए मिलेगा। हालांकि इसके बारे में आधिकारिक तौर पर घोषणा नहीं की गई है, मतलब नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, लेकिन ऐसे में जो शिक्षा मंत्री हैं उनके माध्यम से बताया गया कि सीएम के माध्यम से ईडब्ल्यूएस वाले छात्रों को आवेदन करने का जो मौका है वो दिया जाएगा। अभी तक उनको भी आवेदन करने का मौका नहीं मिला है, तो ऐसे में जो परीक्षा 20 जून को होने वाली है उसके अंदर एक बार फिर से आपको जो बदलाव वो देखने के लिए मिलेगा। बाकी जैसे ही आवेदन का पोर्टल खुलता है, सबसे पहले जानकारी आप सभी को ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात करें सबसे बड़ी अपडेट को लेकर, जो कि है उत्तर प्रदेश के अंदर नई 97,000 शिक्षक भर्ती के बारे में। अभी तक जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करें, क्योंकि ऑथेंटिक जानकारी आप सभी को हमारे माध्यम से दी जाती हैं इस कोविड-19 की महामारी में भी, है ना। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि लगातार छात्रों के माध्यम से नई भर्ती के लिए लगातार प्रयास जारी हैं। सोशल मीडिया पर आप सभी को पता है कि ऑनलाइन धरना प्रदर्शन भी देखने के लिए मिला, जिसको लेकर सूचनाएं आप सभी को समाचार पत्रों के अंदर भी दी जा रही हैं। सुबह भी मैंने आप सभी को दिखाया, जैसा कि आप सभी यहाँ पे देखेंगे छात्रों के माध्यम से ऑनलाइन धरना प्रदर्शन देखने के लिए मिला है, जो कि डीएलएड के अभ्यर्थी हैं। वो चाहते हैं कि जल्दी से नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी किया जाए, क्योंकि मंत्री जी के माध्यम से यहाँ पे ऑनलाइन धरना प्रदर्शन दिया गया था। उसके बाद लगातार छात्रों के माध्यम से ऑनलाइन धरना प्रदर्शन आपको देखने के लिए मिला, लगातार हजारों की संख्या में छात्रों के माध्यम से ट्विटर वाले भी आपको देखने के लिए मिले, जिसके बारे में जानकारी मैंने आपको दी भी थी। और कई बार इस प्रकार के धरना प्रदर्शन आपको जमीनी स्तर पर भी देखने के लिए मिले जब कोरोना संक्रमण नहीं था, लेकिन अब ऐसे में एक जानकारी सोशल मीडिया पर देखने के लिए मिल रही है कि नई 97,000 शिक्षक भर्ती विज्ञापन के लिए सीएम योगी के साथ में शिक्षा मंत्री जी की एक बैठक होने वाली है, जिसमें बताया जा रहा है कि 2022 से पहले, मतलब 2022 के चुनाव से पहले आप सभी के लिए एक भर्ती निकाली जाएगी, और भर्ती के लिए यहाँ से आवेदन के साथ में नियुक्ति पत्र भी आपको दिए जाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि लाखों छात्र नई शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, 10 से 12 लाख छात्र इस भर्ती के अंदर बैठने वाले हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर आप देखें, उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं, इसलिए मैंने क्वेश्चन मार्क करके लिखा है, क्योंकि सोशल मीडिया पर जो जानकारियां दी जाती हैं उनको हम आधिकारिक तब तक नहीं कह सकते जब तक कोई विज्ञप्ति जारी नहीं हो जाती। तो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन मार्क लगे हुए हैं उसके बारे में जवाब मैं आप सभी को दे देता हूँ। सोशल मीडिया पे एक इस प्रकार का ट्वीट वायरल किया जाए जिसके अंदर जानकारी देखने के लिए मिल रही है, जहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि सतीश द्विवेदी जी के माध्यम से ट्वीट किया गया है, दिनांक 9 मई रविवार को, मतलब कि आज शायद 4 बजे से मुख्यमंत्री सर के साथ में एक बैठक होने वाली है, जो कि वर्चुअल माध्यम से देखने के लिए मिलेगी। इसके अंदर जानकारी दी गई है कि 69,000 शिक्षक भर्ती के खाली पदों के साथ में प्राथमिक शिक्षा विभाग के अंदर सभी खाली पदों को जोड़कर विधानसभा चुनाव से पहले भर्ती रखने का जो प्रस्ताव है वो यहाँ पर रखा जाएगा सीएम के साथ में, मतलब आज एक बैठक होने वाली है, ऐसी जानकारी इस ट्वीट के माध्यम से दी जा रही है। और यहाँ पर जो ट्वीट दिखाया जा रहा है वो उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री जी का है, लेकिन सबसे पहली जानकारी मैं आप सभी को दे दूँ, ना तो इस ट्वीट की हमारे माध्यम से कोई पुष्टि की जाती है। दूसरा पॉइंट आप सभी को
बता दूं कि इस प्रकार का ट्वीट अभी तक ना तो बेसिक शिक्षा मंत्री जी के ट्विटर हैंडल पे देखने के लिए मिला है। और तीसरा पॉइंट मैं आप सभी को और बता देता हूं, 8 मई 2021 का ये ट्वीट है जिसके अंदर बताया जा रहा है कि 10:22 मतलब कि देर रात को यहाँ पे एक ऐसा ट्वीट किया गया है। अब इसको लेकर सोशल मीडिया पर तमाम चर्चाएं देखने के लिए मिल रही हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर जानकारी लेने का प्रयास किया गया, इस प्रकार की सूचना ना तो किसी शासन के अधिकारी के माध्यम से दी गई है और ना ही बेसिक शिक्षा मंत्री जी के माध्यम से इस प्रकार का कोई बयान जारी किया गया है। दूसरी तरफ यहाँ पे ट्विटर का अगर बात करें, जो ट्वीट किया गया वो आईफोन से देखने के लिए मिला है, लेकिन बेसिक शिक्षा मंत्री जो ट्वीट करते हैं वो एंड्रॉयड से करते हैं। मैं आप सभी को नमूना दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा कि आज की तारीख के अंदर एक ट्वीट किया गया जो कि आप सभी को देखने के लिए मिलता है महाराणा प्रताप जी के बारे में है, जहाँ पे बेसिक शिक्षा मंत्री जी के माध्यम से ट्वीट किया गया 9 मई 2021 को, जो कि ट्विटर फॉर एंड्रॉयड आप सभी के सामने देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन जो दूसरा ट्वीट आप सभी के सामने वायरल हो रहा है वो आईफोन से देखने के लिए मिल रहा है। तो ऐसे में सोशल मीडिया पे इस प्रकार के ट्वीट को लेकर यहाँ पे जो दावे हैं वो किए जा रहे हैं कि ये ट्वीट असली है या नकली है, लेकिन इस प्रकार की जानकारी ना तो शासन के माध्यम से दी गई है और ना ही मंत्री जी के माध्यम से अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी किया गया है। तो हम ये कह सकते हैं ट्वीट ये फेक भी हो सकता है, होने की संभावना ज़्यादा है, क्योंकि ऑथेंटिक होता तो सरकार के माध्यम से पहले ही बता दिया जाता। हालांकि प्रदेश के अंदर लाखों की संख्या में बीएड हो, बीटीसी हो या फिर अगर बात करें शिक्षा मित्र, इस भर्ती का जो इंतजार है वो कर रहे हैं, सरकार से उम्मीदें लगा करके बैठे हैं कि यहाँ पे चुनाव से पहले भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया जाए। लेकिन जैसा कि आप सभी को बताएं कि अभी तक यूपी टीईटी के आयोजन को लेकर भी स्पष्टीकरण नहीं मिला है, कब तक होगा इसके बारे में ना तो सरकार के माध्यम से जानकारी दी गई है। हालांकि 11 तारीख को विज्ञापन आना है, अगर तय समय पर विज्ञापन आ जाता है तो परीक्षा आप सभी की अगस्त के अंदर हो सकती है कोरोना संक्रमण को देखते हुए, तो उसके बाद में नई भर्ती का जो रास्ता है वो खुल जाएगा। लेकिन ऐसे में जो जानकारी देखने के लिए मिल रही है कि नई 97,000 शिक्षक भर्ती को लेकर सीएम के साथ में बैठक के अभी तक इस प्रकार की ना तो कोई जानकारी है और ना ही आधिकारिक तौर पे इसकी जो पुष्टि है वो देखने के लिए मिल रही है। तो लगातार आप लोग सोशल मीडिया के माध्यम से नई शिक्षक भर्ती की मांग जारी रखें जब तक सरकार के माध्यम से आधिकारिक तौर पे कोई घोषणा नहीं कर दी जाती है, क्योंकि सोशल मीडिया पर तो ऐसा हमेशा देखने के लिए मिलता रहता है। वहीं दूसरी तरफ बात करें 69,000 को लेकर, जैसा कि आप सभी को बताया कि 69,000 की थर्ड चयन सूची को लेकर लगातार कार्रवाई शासन स्तर पर की जा रही है और इसका सबूत आप सभी को पिछले कई दिनों से समाचार पत्रों के अंदर देखने के लिए मिल रहा है। कई प्रकार के जो प्रस्ताव वो शासन को भेजे गए हैं जिससे स्पष्टीकरण है कि जल्द आपकी थर्ड चयन सूची जारी होने की संभावना है। ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी आपको देखने के लिए मिलेगा। अनदेखी की अगर बात की जाए, 7 महीने से 103 अभ्यर्थी को नियुक्ति पत्र देखने के लिए नहीं मिले हैं, जहाँ पे लिखा है कि बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में उन अभ्यर्थियों को भी नियुक्ति पत्र नहीं मिल पा रहा है जो लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण हो चुके हैं। हाईकोर्ट ने 4 सप्ताह के अंदर नियुक्ति पत्र देने का जो आदेश दिया था, लेकिन यहाँ पे जो इंतजार लगभग 7 महीने का हो गया है, अभी तक नियुक्ति पत्र नहीं दिए गए हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें 68,500 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी परेशान हैं, तो ऐसे में उधर दूसरी तरफ 69,000 शिक्षक भर्ती के रिक्त पदों पर तीसरी चयन सूची का या फिर तीसरी काउंसलिंग करवाने की तैयारी देखने के लिए मिल रही है। जैसा कि आप सभी देख पाए कि बेसिक शिक्षा महकमा लगातार जो कार्य है वो जारी है, ऐसे में आप सभी को बताएं कि जल्दी आप सभी के सामने जानकारी भी दी गई है कि आप सभी के सामने जो शासन के माध्यम से आदेश है वो जारी हो सकता है। तो ऐसे में थर्ड चयन सूची को लेकर सरकार के माध्यम से लगातार जो कार्य वो किया जा रहा है, शासन प्रशासन के अधिकारियों के माध्यम से तमाम दावे भी किए जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप सभी को बताएं इन तमाम दावों के बीच में रिक्त पदों की संख्या आती हुई दिखाई नहीं दे रही है। हालांकि अगर बात करें लगातार पिछले 3 से 4 दिनों से समाचार पत्रों के अंदर भी आपके सामने जानकारियां हैं कि सरकार के माध्यम से थर्ड चयन सूची को लेकर जो कार्य वो लगातार जारी है। दूसरी तरफ अभी तक बीएसई के माध्यम से सभी पदों को सत्यापन जारी नहीं किया गया है जिससे स्पष्टीकरण मिले कि कितने पदों पर चयन सूची जारी होगी, लेकिन अच्छी खबर ये है कि जल्दी आप सभी के सामने चयन सूची देखने के लिए मिलेगी। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि पूरे तरीके से तैयारी आपको देखने के लिए मिल रही है 69,000 की थर्ड चयन सूची को लेकर। तो उम्मीद है कि जल्द आप लोगों का जो इंतजार है वो समाप्त होगा, बाकी सीटों की संख्या आने के बाद और भी बहुत सारी चीजें आपके सामने क्लियर हो जाएंगी। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।